विपक्ष ने आज हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालातों और विधानसभा अध्यक्ष के सदन के भीतर रवैये को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विधायक राज्यपाल से मिले और विधानसभा सदन के भीतर अध्यक्ष के रवैये को अवगत करवाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ध्यान मिलाना चाहते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी का व्यवहार सदन के अंदर और बाहर जहां विधायकों की भावना को आहत कर रहा है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुँचा रहा है। सदन के अंदर तो विधानसभा अध्यक्ष का रवैया पक्षपात एवं तानाशाही पूर्ण रहता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने नियम 67 के अंतर्गत प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया। सितंबर माह की 2 तारीख होगी, परंतु कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश आर्थिक दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया है। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से निवेदन किया है कि प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों विशेषकर आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। पिछले कई दिनों से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा, और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और CPS 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद लेंगे। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है, सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है। लेकिन बहुत लंबे समय में, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे थे कि वो बात सत्य है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हिमाचल दिवालियापन की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान होता हूँ, कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हालात खराब है और कई बार मुख्यमंत्री कह देते हैं कि हालात खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। और विचित्र तो तब लगता है जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ये सारी चीजें कल्पना से परे की हैं। यहाँ सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है, HRTC के कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारी सचिवालय के बाहर अपना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको DA की किस्त जारी नहीं हो पाई जब से सरकार बनी है, उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाई, उनकी और जो सुविधाएं जो मिलने थे, जो पर्क्स, जो और भी सारी चीज़ें रहती हैं वो भी विलंबित किए गए हैं। उसका अभिप्राय है कि हिमाचल प्रदेश एक और वित्तीय संकट के दौर में से गुजर रहा है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था। ये हालात हिमाचल के लिए अच्छे नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कर्मचारियों को आप 2 तारीख होने के बावजूद सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो तुरंत चर्चा होनी चाहिए सारे विषयों को रोक करके, लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा नहीं दी गई। प्रमुख रूप से जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से आज की तारीख में है, और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, तुरंत इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो हमें लग रहा है कि अब सैलरी का और पेंशन का विषय जो है वो 6 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त हो वो हिमाचल प्रदेश को मिलती है और वो आने के बाद थोड़ी जो है वो देने की स्थिति में हो पाएगी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश को
हिमाचल प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए अगर एक महीने की सैलरी देनी है तो 2000 करोड़ रुपए देना पड़ता है, जिसमें से 1200 करोड़ जो है वो सैलरी का कंपोनेंट है और 800 करोड़ जो है पेंशन का है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेजरी की हालत है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 750 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकता है, इसके ज्यादा उसकी लिमिट जो है वो नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उसे बढ़ा नहीं सकते। और हिमाचल प्रदेश जो लोन हिमाचल प्रदेश उठा सकता है लोन की लिमिट को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है, लोन लेने की स्थिति में नहीं हो पाए क्योंकि ओपीएस लागू करने के चक्कर में जो एनपीएस जो दूसरा कंपोनेंट था उसमें जो लोन लेने के लिए बोरोइंग के लिए कि आपके लिए 2000 रुपए का स्कोप और था वो भी आपने एग्जॉस्ट कर दिया, उसको अब ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है जो सबके लिए चिंता का विषय बना है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी संकट है, स्कूल के बच्चों की फी देनी है, ईएमआई कटती है, हर महीने की कटती है, सैलरी नहीं आई तो कहाँ से कटेगी, और उनके रोज़मर्रा के जो खर्चे जो प्लान होता है हर महीने का एक कर्मचारी का, क्योंकि सैलरी आती है तो उसमें से जो पैसा कटता है उसी से सारा उनका चलता है, तो सारा का सारा कर्मचारी वर्ग जो इस वक्त जो है बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहा है। और इस हालात में हमने उचित समझा कि विधानसभा के अंदर जो बात कहनी थी वहां तो कही, वहां हमें आज बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि स्पीकर महोदय जी नाराज हुए पड़े हैं, और इस कदर नाराज हुए पड़े हैं कि विधानसभा के अंदर नियम स्थापित पर हमने जो चर्चा उसको भी इजाजत नहीं दी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिए बाद में हमने सुना, और उसके साथ साथ में जो पहले हमने जो उनके बारे में एक विषय लाया था कि विधानसभा का अध्यक्ष निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है ये हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी विधानसभा के अध्यक्ष ने बाहर नहीं किया, आज से पहले जितने भी अध्यक्ष रहे और शायद देश के जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की हैं जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है। उस पर हमने आज जो है नियम के मुताबिक सेक्रेटरी विधानसभा को प्रस्ताव दिया है विधायक दल की ओर से, और हमने कहा कि हमारा विश्वास इस अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के प्रति नहीं है, इनको हटाया जाए, और मुझे मालूम नहीं आगे क्या कार्यवाही इसमें होती है लेकिन हमने उनके हटाने की मांग की। और सर फाइनेंशियल